देखो ये क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क बना था तुम लोग से? नहीं बना ना? बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बता सकता है? 2019 का सवाल था। हाँ सर, टी मान लेंगे। अच्छा, किसको? साइन इनवर्स एक्स को। चलो देखो ये क्वेश्चन, देखो क्या होगा, देखो तो सुनो, अगर तुम बोलती हो कि साइन वर्स एक्स को टी मान लेते, थोड़ा सा देखो इसको, दो तीन अप्रोच है। पहले तुम ये काम करो, फॉर्म चेक करो, पहले फॉर्म चेक करो। वन डाले क्या हो गया, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पर डाले वन तो क्या हो गया पाई बाई टू, टू टू कैंसिल, रूट पाई माइनस रूट पाई जीरो, मतलब कौन सा फॉर्म हो गया, कौन सा अप्रोच कर रहा है ये, जीरो बाय जीरो है ना। बस सर जीरो बाय जीरो तो एल हॉस्पिटल लगा दें, वो भी लगा सकते हो, इसका जीरो हो जाएगा, इसको करेगा वन बाई टू, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस, उसमें जाना नहीं है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं टी, तो यहाँ से क्या हो गया, इधर जाएगा तो एक्स बराबर साइन टी, बोलो हाँ है ना, ठीक है, क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ध्यान से देखो, थोड़ा सा लिमिट चेंज करते, देखो इधर जैसे सब्सटीट्यूट के तो लिमिट चेंज करेंगे, है कि नहीं, लिमिट चेंज करते हैं। अच्छा एक्स अगर टेंड्स कर रहा वन माइनस को, यहाँ पर वन पुट करते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स का वैल्यू वन कब होता है, पाई बाई टू पे होता है ना, होता है कि नहीं, साइन का वैल्यू वन, साइन थीटा का वैल्यू वन कब होता है, पाई बाई टू पे होता है, 90 डिग्री पे होता है ना। मतलब अगर एक्स का वैल्यू वन पुट किए तो टी का वैल्यू कितना जा रहा, पाई बाई टू, कितना जा रहा, वन माइनस है तो टी किसको टेंड्स करेगा, पाई बाई टू माइनस, बोलो हाँ है ना, बात क्लियर है ना, नहीं समझ में सवाल। दो साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन होता है कि नहीं। ये हमारा थोड़ा के लिए मान लो एक्स, ये मान लो टी, ये मान लो टी हमारा, ये मान लो एक्स, ठीक है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए समझो इसको। अगर टी बराबर साइन इनवर्स एक्स है, मतलब कंपेयर करो इसके साथ, कंपेयर करो ये कितना है पाई बाई टू, कंपेयर करो तो टी हमारा कितना हो गया, ध्यान से इसको 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 इधर लग गया तो पाई बाई टू बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स वन हो गया कि नहीं, इसको उधर लेके तो इसको कंपेयर करो इसके साथ, क्या दिख रहा है, टी किसको टेंड्स कर रहा है, पाई बाई टू को, और एक्स किसको टेंड्स कर रहा है, वन को, बोलो हाँ ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वन माइनस टेंड्स कर रहा था तो पाई बाई टू माइनस टेंड्स कर रहा, बात समझ में बात, लिमिट चेंज करने आ गया ना, लिमिट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट चेंज करना, लिमिट चेंज नहीं करे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, हाँ ये आ गया। तो अब मेरे पास लिमिट जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा, लिमिट टी टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, बोलो हाँ ना, है कि नहीं, रूट पाई ऐसे रहेगा, माइनस अंडर रूट टू साइन इनवर्स एक्स, बोले तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए थे, टी, क्या मान लिए थे, टी, क्या मान लिए थे, टी अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या था, साइन टी, वन माइनस, देखो लिमिट से इनवर्स ही गायब कर दिए, है ना, है कि नहीं, सिंपल लिमिट बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, लिमिट से इनवर्स ही गायब कर दिए। अच्छा और थोड़ा सा और देखो, एक काम करते हैं, जैसे दिखा रूट, हाँ फिर जीरो बाई जीरो आ गया। अब क्या बताए थे, जैसे दिखा रूट क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, है ना, रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन करने आता है ना, रूट पाई प्लस रूट टू टी अपॉन रूट पाई प्लस रूट टू टी, बोलो हाँ है ना, क्या बोले, ऊपर काम को हटाना है, ठीक है, ठीक है, रैशनलाइजेशन, तो लिमिट टी टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, टी टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस टू टी, हाँ ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, है ना, और बस समझ मारना, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, रूट पाई प्लस रूट टू टी इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन टी, बोलो हम गलत बोल रहे हैं, है कि नहीं, सही है ना, बात क्लियर है, मिटाते हैं इसको, नीचे वाला को इसको मिटाएं, मिटाएं, अरे बोलो मिटा दें, अरे बोल दो, क्वेश्चन इसको लिखा था ना कल, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक हो। अच्छा थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर हम यहाँ पाई बाई टू पुट करते हैं, एक टर्म सही है ना, क्या हो जाएगा, रूट पाई प्लस रूट पाई, टू रूट पाई हो जाएगा ना, ये हमको एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा, बोला है कि नहीं,
कंसेप्ट लगाएंगे अपना, है कि नहीं सर? बात ये हमको एक वैल्यू अगर पुट करते हैं पाई बाई टू, ये हमको फाइनाइट वैल्यू दे रहा, इसको गायब कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? जैसे पुट करेंगे तो टू टू कैंसिल हो जाएगा क्या? ये हमको क्या देगा? रूट टू पाई देगा कि नहीं देगा? है कि नहीं? रूट टू पाई देगा। अरे देगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? पुट करके देख ले, देख ले पुट करके। पाई बाई टू कट गया, टू रूट पाई, सॉरी टू रूट पाई क्या देगा? टू रूट पाई क्या देगा? टू रूट पाई। मतलब मेरे पास लिमिट बन के क्या है? लिमिट टी टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस पाई माइनस टू टी अपॉन अपॉन टू रूट पाई, टू रूट पाई बच जाए क्या अंदर रूट? अच्छा वन माइनस साइन एक्स, ये हमको वन माइनस वन जीरो बना दे रहा ना, तो कॉस में लेके चलते हैं थोड़ा सा। वन माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस टी लिख सकते, बोलो हाँ या ना? मस्त चीज लिखे कि नहीं, है ना? साइन थीटा, हाँ कि नहीं? शाबाश। और थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से जबरदस्ती टू कॉमन निकाले, जबरदस्ती टू निकालने में बड़ी मजा आता है, जबरदस्ती टू निकालते फायदा क्या, टू टू कटा देंगे, बचेगा क्या? पाई बाई टू माइनस टी, बोलो हाँ ना? जबरदस्ती कॉमन निकाले, ये समझ में आया? अब देखो सीन क्या है, ये इसको देखो, पाई बाई टू माइनस टी, पाई बाई टू माइनस टी, मस्त सीन आया। कुछ सीन दिख रहा? क्या सीन दिख रहा? देखो लिमिट टी टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, ये सब प्रैक्टिस से ही बनेगा। एक काम करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, नहीं नीचे ले जाते, चलो और बढ़िया से दिखाते हैं। वन बाई रूट पाई है इंटू, देखो ऊपर में पाई बाई टू माइनस टी है ना, है कि नहीं? क्लियर बात? अपॉन यहाँ देखो रूट में, देखो यहाँ अंडर रूट, सुन थोड़ा सा ध्यान से, वन माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस टी है। अच्छा अगर हम नीचे में पाई बाई टू माइनस टी का होल स्क्वायर देते हैं तो ऊपर में भी देना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना? अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से खाली नॉर्मली बाहर निकलेगा पाई बाई टू माइनस टी, बोलो हाँ है ना? नीचे अंदर में स्क्वायर है तो ऊपर में ऐसे बाहर निकलेगा, देखो स्क्वायर में है स्क्वायर निकला, ऊपर नीचे दिए चल इसके, ठीक है ना? जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? वह सर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो कि पहले बात तो ये कटा, और ये देखो ध्यान से देखो इसका वैल्यू क्या होता है, याद आया फॉर्मूला? वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर्मूला, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, चेक करो फॉर्मूला, फॉर्मूला चेक करो, याद आया? वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, याद आया फॉर्मूला? ये क्या हो गया मेरे पास फॉर्मूला? हाफ क्या हो गया? हाफ क्या हो गया? तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, लिमिट टी टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस हाफ है, टू ऊपर चलेगा मतलब टू अपॉन रूट पाई, अरे भाई हाँ है ना? अच्छा ये रूट में, रूट के अंदर है ना टू, टू के अंदर रूट के अंदर है ना टू, है ना? अरे हाँ है ना, रूट के अंदर है ना, पूरा रूट के अंदर, ठीक है? तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या है, अंडर रूट टू अपॉन, ऑप्शन में था जी हाँ। बढ़िया कंसेप्ट है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। पहला बात क्या किए, सब्स्टिट्यूट, रेशनलाइज, कितना बढ़िया कंसेप्ट लगा। रेशनलाइज करने के बाद फार्मूला में रिजॉल्व किए, रिजॉल्व करने के बाद यहाँ से निकाले, ठीक है ना? तुम चाहते एक और काम कर सकते थे, इसको नीचे ला करके स्क्वायरिंग मार सकते थे, ये खत्म ऑलरेडी हो जाता, ये भी ठीक है आसान समझने के लिए। चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन थे बढ़िया वाला, ये तुम लोग से आराम से बनेगा, मजाक नहीं करे, भरोसा मेरे को दिखेगा तुम लोग क्या है सर, थोड़ा दिमाग लगाना इस पर जो है तुम लोग पास। तो चलो क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ द लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो थीटा टेंड्स टू जीरो टेन पाई थीटा कॉस करो, बाप रे बाप, थीटा टेंड्स टू जीरो टेन स्क्वायर टेन पाई स्क्वायर कॉस थीटा होगा सर, पाई कॉस स्क्वायर थीटा, पाई कॉस स्क्वायर थीटा सवास अपॉन साइन टू पाई साइन स्क्वायर थीटा, हाँ साइन टू पाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू,
चलो बहुत इम्पोर्टेंट है, जेई मेन 2021 का सवाल है, बोलेगा तो ऑप्शन दे देंगे, दे दे। हाँ चलो सॉल्व करो, ऑप्शन देगा कोई फ़ायदा नहीं, ऑप्शन देके सॉल्व करते हो तुम लोग। क्या दिख रहा है इसमें कुछ? पहले क्या करना, पहला काम फॉर्म चेक करो, है ना। फॉर्म चेक किया, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो 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 हो गया नीचे, कॉस जीरो वन वन, टेन पाई, टेन पाई क्या हो जाता है, टेन पाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो। बोले सर एलोपीटर लगा दे, लगाओ फंसोगे, एलोपीटर लगाओगे फंसोगे, फंसोगे नहीं, वो भी कर सकते हो, एलोपीटर भी लगा सकते हो। और उससे भी बेटर पता क्या है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दो मेथड है, एलोपीटर लगा दो, जीरो बाई जीरो दिख रहा, एक क्या करो रिजॉल्व करो, टेन का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला पता है ना कुछ, अरे बाबा दो फॉर्मूला नहीं पता है, साइन एक्स बाय एक्स, टेन एक्स बाय एक्स, कुछ याद आ रहा, इसका यूज़ करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ बन के आएगा। एक स्टेप करके दिखाते हैं, देखो एक स्टेप करके दिखाते हैं, जो दिया है तुम्हारे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो है, मतलब टेन पाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इनटू साइन टू पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना। अगर इसके नीचे ये आ जाए मजा आ जाएगा कि नहीं, बोला जैसे नीचे डाला तो ऊपर डाल दो, बोलो हाँ ना। अगर इसके नीचे ये आ जाए तो मजा आ जाएगा ना, ये चीज दिख रहा खानदानी चीज, ये चीज दिख रहा खानदानी चीज है कि नहीं, है कि नहीं, टेन समथिंग बाय समथिंग, साइन समथिंग बाय समथिंग वन, है कि नहीं, मस्त चीज दिखा कि नहीं। मेरे पास क्या है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, क्या हो गया पाई पाई उड़ा दो, वन बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ ना, बन गया। बस सर जीरो पुट कर दे, अबे जीरो नीचे जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होना है, मारो एलएच, क्या हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो वन बाई टू, क्या हो जाएगा टू माइनस टू साइन एक्स माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा, बोलो हाँ ना, है कि नहीं। अरे कॉस का थीटा का टू कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा, चेन रूल, चेन रूल क्या लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, जिसको नहीं आता अगला चैप्टर डिफरेंशिएशन बढ़िया से करा देते हैं। डिफरेंशिएशन देखो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, पहले टू कॉस थीटा हो जाएगा, सही बात, इन टू अब कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, सही बात, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, सिखाएंगे, चेन रूल लगाएं, इसमें कौन सा रूल लगाएं, चेन रूल, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एलएचएस रूल बढ़िया से डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। टू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ध्यान से देखो ये कैंसल आउट, क्या हो गया माइनस हाफ आंसर, बस क्या बोले, इजिएस्ट क्वेश्चन इसीलिए जेई मेंस का 2021 का, ऐसा ऐसा सवाल मिलता है एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ पता है, बस थोड़ा सा क्या क्या डराने के लिए सब चीज़ अंदर डाल दिया, समझा, कुछ लल्लू ला सवाल है, बस यहाँ पर एलएच रूल लगाना है, पहले एलएच रूल नहीं लगाना है, पहले एलएच रूल लगाओगे तो तीन चार स्टेप बढ़ जाएगा दिमाग। डिफरेंशिएशन देखो डी डी एक्स, क्या बोले, नहीं चेन रूल से, ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सुनो पहले इसको मान लेते थोड़ा देर के लिए एक्स, एक्स पावर एन क्या हो गया एन एक्स, बोलो हाँ है ना, हो गया ना, इन टू अब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाता है माइनस साइन एक्स, अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन होता है, चेन रूल सिखाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना, अभी सिखाएंगे अगला चैप्टर पर बढ़िया सिखाएंगे चेन रूल, अगला साल नहीं इस चैप्टर अगला चैप्टर से अगला साल तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना सिखा देंगे इस साल, अगला साल तो खाली हाई लेवल सवाल उड़ाएंगे, इतना ही सिखा देंगे ना इस साल। हाँ तो अभी तुम अभी अगला चैप्टर जब पढ़ोगे ना बोलेगी कहाँ है ये क्या देख लिया हम, अरे मैया, ऐसा फील आएगा, ऐसा फील आएगा, ऐसा बोल रहा था।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, लल्लू से सवाल है। क्या है सवाल में, लंबा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। हाँ, कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, पक्का यही है ना, यही है, एक्स पावर फोर इज इक्वल टू, सवाल दिया है, छी 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 छी, किस ईयर का सवाल है ये, 2022, छी 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 छी, लेवल गिरा दिया ये, पिछले साल का सवाल है, जेम इन 2022 का सवाल है। देखो चलो, फिर भी आदमी लोग इसमें चौंकता है, कुछ बात है इसलिए, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास दो तीन रास्ता है, आदमी लोगों के पास देखो, वो सही बात है, पहला काम क्या है, फॉर्म चेक किए, पहला काम क्या किए, फॉर्म चेक किए, फॉर्म चेक करने से क्या पता चला, कौन सा फॉर्म का ये, जीरो डाले ये जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, वन 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 माइनस वन जीरो, मतलब किसको अप्रोच कर रहा, जीरो अप्रोचिंग, बोला है ना, बस सर क्या एलोपीटर लगा दें, लगाओ फंसोगे खुद, कैसे, 3x³ चार बार लगाना पड़ेगा एलोपीटर, है कि नहीं, पावर फोर चार बार लगाना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास ना टाइम है, बन जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा गारंटी, लेकिन चार बार लगाना पड़ेगा, हाँ तुम्हारे ये एलोपीटर, तो हाईएस्ट पावर कितना है, फोर, तो एलोपीटर नीचे से हमको हटाना एक्स को, हाँ या ना, नीचे से एक्स को हटाना, पहले क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कॉन्स्टेंट आएगा, बोलो हाँ ना, है कि नहीं, तो तुम हटा तो दोगे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 15 मिनट बचा हुआ है हाथ में और तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको बनाना ही है, तब मारो चार बार, है कि नहीं, तब मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अगर 2 मिनट हाथ में है तब फिर ये नहीं मार सकते, तब क्या करना है, दूसरा अप्रोच लगाना है, सिंपली तुमको हिंट दे दिया कि यहाँ पर एलोपीटल तुम नहीं मार सकता, क्यों, चार बार है, वो तुमको बोल दिया दूसरा रास्ता देखो बाबू, ये रास्ता बहुत टेढ़ा है, जैसे किसी को पूछना है तेरा घर कहाँ है, तो बता अरे इधर उधर है, वहाँ पर ये, मतलब उसको बताने का मन नहीं है, ठीक है ना, सही बात, तो सेम केस ये भी बोल रहा है, एलोपीटल तुमसे हो रहा है लेकिन तुमको बोला है मत करो फंस जाएगा, ठीक है, ये तुमको बता रहा है, तब क्या करना है, सुनो क्वेश्चन के भावनाओं को समझो, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी, अरे ये सी हो गया, ये डी हो गया, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, बोलो हाँ है ना, अपॉन एक्स टू द पावर फोर, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, क्लियर बात, पक्का, तो अब देखो, अब कुछ मस्त चीज दिख रहा है तुम लोग सामने, सर साइन साइन, खानदानी फॉर्मूला है कि नहीं, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, तो क्या करते हैं इसमें, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस टू साइन समथिंग बाय बाय समथिंग, अरे ये समथिंग है ना, एक अपने मन से दिए, पीछे एक्स स्क्वायर पावर फोर डाल देते, एक और अपने मन से समथिंग देते हैं, देखो दो टो समथिंग अपने तरफ से दिए, बोलो है ना, तो ऊपर भी दो टो देंगे, ए प्लस बी इंटू एम एस बी, ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, बोलो हाँ ना, दिख रहा कि नहीं, अवैस देखो क्या किए, सुनो ये मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में था ना, अपने मन से नीचे दिए, अपने मन से ऊपर दिए, बोलो हाँ ना, ए प्लस बी इंटू एम एस बी, है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू टू जा फोर, है ना, क्लियर बात, ये क्या बना दिया हमको, ध्यान से देखो ये चीज़ को, भाई साहब वन, बोलो हाँ ना, है कि नहीं, ये चीज़ क्या बना दिया, भाई साहब वन, बोलो हाँ ना, है कि नहीं, टू वन जा टू टू जा, बोलो हाँ ना, है कि नहीं,
मतलब मेरे पास लिमिट क्या बन गया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स टू द पावर फोर। बोलो हाँ ना, ये बन क्या है कि नहीं, ये बन क्या है ना, क्लियर बात। अब बताओ क्या किया जाए, इसके आगे कर सकते हो? बोलो हाँ ना, इसके आगे कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साइन का एक्सपेंशन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? साइन का एक्सपेंशन, क्योंकि और कुछ रास्ता मेरे पास है नहीं, नीचे पावर ज़्यादा है ना, साइन का एक्सपेंशन लगाते हैं। चार तक पावर लेके जाना है कि नहीं, पावर चार तक लेके जाएंगे, समझो बात को। टैकलिंग, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रखते हैं। साइन एक्स एक्सपेंशन क्या होता है बता दो, क्या हुआ एक्स अपॉन, हाँ अब और आगे देने की जरूरत नहीं है, और देने की जरूरत नहीं, और होल स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर फोर। बोलो हाँ ना, क्लियर बात, क्लियर बात। अब क्या हुआ ध्यान दो, कहाँ से, हाँ टू एक्स टू सॉरी, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, अब क्या हो गया माइनस, ध्यान दो ये हो गया x माइनस, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री सिक्स है ना, ये क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन सिक्स वन है ना, क्लियर बात। थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता है ना, थ्री टू जै सिक्स इंटू वन है ना, थ्री फैक्टोरियल पढ़ाया था ना, थ्री फैक्टोरियल अरे कोई ठीक है, अरे नहीं रिएक्शन नहीं आता था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स टू द पावर फोर, बोलो हाँ है ना। ये समझ में आया बात, बात समझ में आया चीज़, ये चीज़ क्लियर है। एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, इसके आगे भी हम ही करें, बोलो तो हम भी कर देंगे कि हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि कर दें, करो मेरे साथ साथ हाथ चलाओ। एलसीएम सिक्स नीचे आया, एक्स टू द पावर सिक्स माइनस टू एक्स टू पावर फोर इंटू टू एक्स टू द पावर फोर, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। क्या करें, एक्स पावर फोर उड़ा दें, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा टू एक्स टू द पावर फोर अपॉन ट्वेल्व एक्स टू पावर फोर माइनस एक्स टू पावर सिक्स अपॉन ट्वेल्व एक्स टू पावर फोर, बोलो हाँ ना, है कि नहीं, है ना। ये तो उड़ा, ये वन बाय सिक्स हुआ, ये गया एक्स पावर फोर बचा। अच्छा ये चीज़ यहाँ पर जैसे जीरो पुट किए, ये पूरा चीज़ जीरो है ना, जीरो बाय समथिंग, जीरो बाय समथिंग तो जीरो ही होगा, नीचे फाइनाइट नंबर है, नीचे तो इनफाइनाइट कुछ नहीं है ना, इसलिए मेरे पास क्या बन के आया, मेरे पास इसका आंसर क्या बन के आया, वन बाय सिक्स। कहाँ पर 36 हो गया, ओह हाँ शाबाश, हाँ हाँ यहाँ सिक्स होगा, यहाँ 36 हो, शाबाश। कौन बोला था, ओहो थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, फ्लो में बनाते चले गए, बोलना चाहिए था ना। चलो ये तो कट गया, क्लियर बात। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, देखो कितना हो गया, इधर जाएगा सिक्स टू जो ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन सिक्स है ना, यहाँ एलसीएम आ गया 36 इंटू टू इंटू एक्स टू द पावर फोर, नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या जाएगा एक्स पावर सिक्स माइनस ट्वेल्व एक्स टू द पावर फोर, बोलो हाँ आया ना, है कि नहीं आया ना। यहाँ से क्या हुआ ध्यान दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 72 है कि नहीं, माइनस एक्स टू पावर सिक्स, एक्स पावर फोर ऊपर भी एक्स पावर फोर नीचे भी है, काट ही देते हैं, एक्स पावर सिक्स अपॉन 72 एक्स टू पावर फोर, ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर बात। ओबेस माइनस, यहाँ से क्या हो गया, लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो, जैसे जीरो पुट के ये पूरा चीज जीरो, 12/72 1/6। अरे ऐसे भी आंसर 1/6 आया, बता। ओ इस चीज़ को कैंसिल आउट हो जा रहा था, है ना, मेन चीज जिसका काम था तो आंसर से कैंसिल आउट हो जा रहा था, मतलब गलती भी कर रहा था कैलकुलेशन, तो आंसर सही हो जा रहा। वाह वाह वाह, अच्छा सवाल है, जेईई मेन 2022 का अच्छा सवाल है। हाँ अब वैल्यू कब पुट करेंगे, जब नीचे फाइनाइट नंबर, नीचे 72 है ऊपर 0 आ रहा, तो 0/72 तो 0 हो जाएगा ना, 0/72 तो 0 ही होगा, है ना, क्लियर, नीचे फाइनाइट है, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन जो आप लोग कीजिए हम दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/√2। आह सर ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, अब इसमें जीरो इन्फिनिटी नहीं है, है ना, साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस टेन कॉस इनवर्स एक्स। इज इक्वल टू, ये जेई 2022 का ये भी क्वेश्चन है, हाँ लिख लो, ये भी जेई में 2022 का क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन बोलेगे तो दे सकते हैं हम, ऑप्शन दे दे कि छोड़ दे छोड़ देते हैं, चलो बन जाएगा ये, क्या लग रहा, पहला काम क्या करना है इसमें, फॉर्म चेक करो, पहला काम फॉर्म चेक करो, ज़्यादा स्पीड नहीं दौड़ना है, दौड़ना है लेकिन ज़्यादा स्पीड नहीं देना, पहला काम क्या है, फॉर्म चेक करो, चेक करो फॉर्म, इधर का हो गया लिखा हुआ, इधर का हो गया, फॉर्म चेक करो, सबसे पहले फॉर्म चेक किया क्या पता चला, जैसे रूट टू डाले 45 10 45 1 1 माइनस 1 0, है ना, रूट टू डालेंगे 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, 10π/4 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 0, कॉस का वैल्यू 45 में कितना होता है 1/√2, जैसे 1/√2 डालेंगे 45 हो जाएगा, क्या वो इन्वर्स है, माइनस नहीं है वो इन्वर्स है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे अभी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे अभी, सिखाने ना, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उससे कुछ डरना मत, अच्छा कोई ये नहीं ना सोच रहा है, कोई ये नहीं ना सोच रहा है, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, यही सोच रहा तू लोग, अरे बाबा रे, ये नहीं सोचना है, पढ़ाएंगे इन्वेस्टिंग इनोवेटर चैप्टर भी 12th में, ये नहीं सोचना है, ठीक है, अरे वाह, होता है लेकिन बताना नहीं है, होता है वो चीज़ लेकिन बताना नहीं है, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या करते हैं, चेक के नीचे हो गया जीरो, ऊपर भी हो गया, यहाँ पर हो गया 5/4, ये भी हो गया हमारा क्या जीरो, साइन वर्स, हाँ जीरो। देखो एक काम करके सुनो, क्या किया जाए इसमें, बोलो 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 ना बोलो ना क्या किया, अच्छा कॉस इनवर्स दो जगह दिख रहा ना, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, यहाँ से क्या हो गया एक्स बराबर कॉस टी, कॉस टी कॉस टी नहीं सुने, बेस्टी सुने कॉस टी नहीं सुने, चलो ये देखो एक्स बराबर कॉस टी, देखो इधर देखो, एक्स अगर 1/√2 को टेंड्स कर रहा, सुन खुला दो, एक्स अगर 1/√2 को टेंड कर रहा तो टी किसको टेंड्स करेगा, 5/4 को, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, है कि नहीं, लिमिट चेंज करने आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना लिमिट चेंज करने में, लिमिट चेंज करने, अब पता है 12 में इंटीग्रेशन में बहुत लोगों को लिमिट चेंज करने ही नहीं आता, चेंज ही नहीं कर पाता क्योंकि वो लिमिट नहीं पढ़ा ना इसीलिए, देखो तो लिमिट 1/√2, हाँ अब क्या हो गया, अब देखो क्या हो गया, साइन ये हो गया टी, साइन टी
माइनस एक्स, एक्स क्या हो गया हमारा कॉस टी, ओ भाई वन माइनस टेन टी, कितना मस्त लग रहा है ना। अच्छा टेन टी के साथ छेड़खानी करें, साइन टी अपॉन कॉस टी है ना, और मजा आ गया। पर सर सब साइन कॉस एक जैसा, भाई बहन जैसा लग रहा सब, देखो दिखाते हैं। ये तो अब आसान बन गया सवाल, अब एनसीईआरटी का सवाल बन गया। एलसीएम लेंगे कॉस टी ऊपर चल जाएगा, मतलब कॉस टी ऊपर हो गया, ऊपर बचेगा साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन कॉस टी माइनस साइन टी। कुछ दिखा? अरे कुछ दिखा, अगर यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस ये प्लस है कि नहीं, ये खत्म। लल्लू सा सवाल है ना, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाय रूट टू, क्या बचिया माइनस कॉस टी। अब क्या है वैल्यू पुट करके देखो, जीरो बाय जीरो तो हो ही नहीं रहा, पुट कर दो माइनस कॉस, और कुछ बचा है। अच्छा एक्स कैसे, ए लिमिट चेंज कराएंगे ना, लिमिट चेंज नहीं की भाई, टी टेंस टू पाई बाई फोर है ना, अरे हाँ या ना, यहाँ देखो लिमिट को, लिमिट देखो, लिमिट चेंज किए ना, टी किसको टेंस कर रहा पाई बाई फोर, तो यहाँ से क्या हो गया ध्यान दो, लिमिट टी टेंस टू पाई बाई फोर, जैसे पुट किए इसमें, जैसे पुट किए क्या हो गया माइनस कॉस पाई बाय फोर, मतलब आंसर क्या है माइनस वन बाय। मजा आया, इजी है ना, नोट करो, थोड़ा सा एक थ्योरी बताएंगे। चलो अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट का। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ सीन आ गया कि एक्सपोनेंशियल लिमिट का बात हो गया, कैसा सीन आ गया देखो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ सीन आ गया देखो कुछ थ्योरी थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा थ्योरी है, सह लो देखो, हाँ एक्सपोनेंशियल लिमिट देखो, अगर तुम्हारा एग्जैक्ट जीरो का पावर इन्फिनिटी रहा तो पूरा चीज़ क्या हो जाएगा वन, ये तो पता है ना, एग्जैक्ट जीरो का वैल्यू किसका, एग्जैक्ट वन का वैल्यू तुमसे पूछा कुछ भी, एग्जैक्ट वन का वैल्यू कुछ भी, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा वन, ठीक है ना। लेकिन अप्रोचिंग जीरो, वन अप्रोचिंग का वैल्यू अगर तुमसे पूछ ले इन्फिनिटी ना, तो वो हो जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्या होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, बात समझ, ठीक है ना। सुनो अब जब ऐसा कुछ दिखा, कैसा कुछ दिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका पावर है जी एक्स, कैसा लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट दिखा, कोई एक फंक्शन है एक्स टेंड्स टू ए, उसका पावर है जी एक्स, ठीक है ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स आ जाएगा उछल के बाहर, जी एक्स आ जाएगा उछल के बाहर, और फंक्शन में से एक घटा दो, फंक्शन में से एक घटा दो, ये तरीका है लिखने का, दिस इज क्या तरीका, याद रखना तब, रिमेंबर एकदम, एक्सपोनेंशियल लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या करना है, अगर एफ एक्स का पावर जी एक्स है तो जी एक्स उछल के बाहर आएगा और एफ एक्स में से एक घटाओ, ठीक है ना, क्लियर बात, याद रखना जी एफ एक्स पावर जी एक्स, जी एक्स बाहर आएगा, ऊपर वाला बाहर आएगा, नीचे वाला से एक घटाओ, ऊपर वाला बाहर आएगा, नीचे वाला से एक घटाओ, ठीक है। ये तक क्यों के वजह प्रूफ हो तुम लोग को अभी जरूरत नहीं है, बहुत लंबा प्रूफ आ जाएगा इसका, ठीक, इसका जरूरत नहीं, बस खाली इतना याद रखो, बस तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो जीरो पावर जीरो या फिर इन्फिनिटी पावर जीरो, सब क्या होना चाहिए अप्रोचिंग वैल्यू, क्या होना चाहिए अप्रोचिंग, क्या होना चाहिए अप्रोचिंग, क्या होना चाहिए अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दे दिया है जैसे एक्स पावर एक्स दे दिया ऐसा कुछ, या फिर वी वन का पावर वी टू, जैसे यहाँ दे दिया, इसको तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है ई का पावर लॉग वी वन लॉग वी टू, कैसे देखो दिखाते, इसको ध्यान से देखो, एक पावर वी टू लॉग वी वन बेस ई है ना, है ना, ये उछल के ऊपर जा सकता है, जा सकता ना, लॉग का प्रॉपर्टी नहीं पता, ओ लॉग ए का पावर बी है तो बी उछल के बाहर आ सकता है, बी लॉग ए लिख सकते हैं, बात के लिए ठीक, वही प्रॉपर्टी लगा, इसको उछल के बाहर भेजा दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से यहाँ से उछल के गया तो क्या हो गया, ई का पावर लॉग वी वन का पावर वी टू बेस ई, ये क्या चीज़ हो गया वन, क्या हो गया
मतलब मेरे पास बन के क्या है v1 का पावर v2 है ना, मतलब इसको चाहे तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर बात, क्लियर बात, क्वेश्चन में दिखाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा फॉर्म दिखे तो चुपचाप आँख बंद कर, आँख बंद नहीं, आँख खुला रखना है, ठीक है ना। क्या करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, जो मैं टेंड्स करेगा, ठीक है ना। v1 पावर v2 को क्या लिख सकते हैं, e का पावर, जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ वहीं पर से लिमिट डाल देना है, जहाँ फंक्शन स्टार्ट हुआ वहीं पर लिमिट डाल देना। इसको भी क्या करना है, रिमेंबर, क्या करना है, ये तरीका है, क्या ये तरीका, ये बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है ना। नोट करो, नोट करो, सवाल देते हैं, नोट कर लियो, मिटा दे, हो गया, मिटाए, हाँ एक्सपोनेंट पर काम आएगा, मिटाए, क्वेश्चन दे। चलिए सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला ये चाहत का नहीं दिल करम खुराया है, इसी पर से सवाल पूछा गया है 2021 में। इफ द वैल्यू ऑफ, पहले पता क्या हुआ करता था, ज़्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था, लिमिट क्वेश्चन लिमिटेड हुआ करता था। अब ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से क्वेश्चन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि तुम कुछ कर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर एन, बहुत पहले हो गया, 10-15 दिन अरे बहुत पहले, एग्जांपल मजाक कर रहे हो, मेरा पता नहीं अपने आप बातें में मजाक निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है, हमें बोलेंगे कुछ बोलेंगे ना, घर में ऐसे बोलते तो छोड़ दे, इससे कुछ नहीं पूछना है हमको हाँ वो तो है, वो तो सच्चाई है, बहुत बड़ा सच्चाई है वो, ठीक। करम खुदाया है ए मुझे बुलाया है, मुझे जीना आया, यहाँ एन होगा ना, लिख, चलो नोट करो, तेरा समय अच्छा रहा। पहला काम क्या, देखो इफ द वैल्यू ऑफ द लिमिट इतना का पावर इतना, ओहो पावर, लिमिट में पावर चली गया, क्या समझ में आया, क्या खटका, एक्सपोनेंशियल लिमिट, हाँ या ना। एक्सपोनेंशियल लिमिट में दो केसेस है ना, दो केसेस है, इज इक्वल टू इतना, इसका वैल्यू जो है ई का पावर एन के बराबर है, मतलब दिख रहा क्या, ओहो ई का पावर एन पर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, बोलो बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सुनो, मतलब तुमको कहा गया है कि जो e का पावर n है वो किसके बराबर है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो टू माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स का पावर x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ ना, ये कहा गया तुमको, बोलो ठीक है, बहुत अच्छा। ध्यान से देखे, अगर यहाँ जीरो डालते हैं तो कॉस जीरो वन, वन मतलब क्या गया, वन का पावर जीरो इन्फिनिटी, बोलो हाँ ना, किस तरह से दिख रहा है, वन का पावर इन्फिनिटी, हाँ या ना ओवैस, ये कैसा दिख रहा हो, किसको अप्रोच कर रहा हो, वन का पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, वन का पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, तो क्या था वन का पावर इन्फिनिटी में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई का पावर, क्या लिख सकते हैं, ई का पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये बाहर आएगा, अरे हाँ या ना, याद आया कुछ, एल एन ऐसे था ना, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, पक्का, तो झूठ नहीं ना बोल रही हो, झूठ नहीं ना बोल रही ना, सॉल्व करना होगा, अब ये लिमिट सॉल्व करो, पक्का एल एन है ना, फॉर्मूला चेक कर लो, एल एन है ना,
ना एलेन नहीं है, एलेन नहीं है, एलेन नहीं है, एलेन एलेन है। अरे एलेन तो वी1 का पावर वी2 वाला में था ना, वन का पावर इन्फिनिटी में थोड़ा था, पहला वाला केस ही है। वन का पावर इन्फिनिटी, वन का पावर इन्फिनिटी में एलेन कहाँ से आया? वन का पावर इन्फिनिटी अप्रोच देखो कहाँ से, वन का पावर इन्फिनिटी है। इसको देखो, इसको फॉर्म चेक करो फॉर्म। हाँ जीरो का पावर इन्फिनिटी रहता वो वाला सेकेंड वाला केस रहता तब होता, ये वन का पावर इन्फिनिटी है ना, इसमें एल एन नहीं है। मतलब ये हमारा, ये हमारा एन के बराबर है कि नहीं? कहाँ वन माइनस वन कहाँ? ओ हाँ माइनस वन, सवास सवास हाँ ठीक है ना। ये हमारा किस बराबर? एन के बराबर, मतलब इसका वैल्यू तुमसे पूछ रहा है कि नहीं? इससे मतलब है, इससे मतलब है कंपेयर कर दिए एन का वैल्यू है ना। तो देयर पर हमको, मेरे पास नया लिमिट जो बन गया है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अच्छा ये पूरा इंडिपेंडेंट, अगर जीरो डाल दिए पूरे एक टर्म तो क्या हो जाएगा, टू बाई एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? सुबह अवैस ऊपर वाला टर्म तो उड़ा सकते हैं ना, जीरो डाल देंगे तो टू, जीरो प्लस टू टू हो जाएगा, है कि नहीं? एक टर्म है, नीचे मत डाल देना, बोले सर जीरो हो जाएगा वो नहीं करना ठीक है ना। टू माइनस वन, वन माइनस कॉस एक्स का पावर कितना हो गया, वन और हाफ, कितना हो गया, थ्री बाई टू। बोलो हाँ है ना, हो गया कि नहीं? हाँ कॉस एक्स है, वो एक्स नहीं भूल गए थे है ना। कॉस एक्स का पावर वन और पावर हाफ, वन प्लस हाफ कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू। बेस सेम पावर, कॉस एक्स का पावर वन, कॉस एक्स पावर रूट मतलब पावर हाफ, बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, वन प्लस हाफ थ्री बाई टू है ना। समझा ओएस? एक पावर एम इंटू एक पावर एन, एक पावर एम प्लस एन। देख रहे हो बेसिक कितना चीज लगता है, देख रहे हो कितना तगड़ा होना चाहिए बेसिक्स है ना। अब यहाँ पर से क्या हो गया, ध्यान दो, अब ध्यान दो क्या हो गया, अब फॉर्म चेक करेंगे जीरो बाय जीरो। अब कुछ दिख रहा भाई साहब, ये बहुत आसान चीज़ है, जीरो बाय जीरो आ रहा। अब खुश होना चाहिए एक बार, क्यों? नीचे में कितना बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा? अच्छा तुम जीरो डालिए, कॉस जीरो वन हो गया, वन पावर समथिंग वन हो गया, वन माइनस वन जीरो, नीचे है ना जीरो बाय जीरो। अब बोले भाई दो ये बार डिफ्रेंशिएट करना, कर लेते हैं, लगाओ अकॉर्डिंग टू एलएच रूल, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा? अच्छा क्या हो जाएगा बताओ, अरे बोलो, थ्री बाई टू साइन टू अपॉन टू एक्स इंटू है ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब ये कितना बड़ा लिखना, तो इसको इग्नोर ही मार दिया वन का जीरो, इसका होगा थ्री बाई टू कॉस माइनस बाहर रहते हैं, एक्स का पावर थ्री बाई टू माइनस वन है ना, डिफ्रेंसिएशन है, थोड़ा ध्यान देना इस पर, इंटू कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। क्लियर बात? नहीं प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा, इसका इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया, नहीं दो बार के चेन रूल लगा, चेन रूल, चेन रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, चेन रूल। तो माइनस माइनस खत्म है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया ध्यान देखो, यहाँ पर लगा था, यहाँ क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा टू और टू कैंसल आउट सब मल्टीप्लीकेशन में, मतलब क्या हो गया थ्री कॉस एक्स का पावर हाफ साइन एक्स अपॉन एक्स। बोलो पक्का यही है ना, बोलो हाँ है ना, पक्का यही है। अब चेक करके देखो फॉर्म, जीरो डालें जीरो हो गया, कॉस जीरो वन जीरो जीरो, फिर से जीरो बाय जीरो, फिर से लगाते हैं एलोपिटल। अब फ़ायदा क्या होगा एलोपिटल का, कोई बता सकता है क्या फ़ायदा होगा? थ्री बाई टू में से एक घटाओ, ये वाला ये कहाँ से आया, कौन ये वाला, एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस, क्या बोली? ओह अच्छा अच्छा थ्री बाई टू यहाँ, ओ हाँ यहाँ टू छोड़ गया, चलो वेरी गुड,
शाबाश। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, टू छूट गया था, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, अब तो एल एच लगेगा, ए एल एच बोल रहे हैं, अब यू भी लगेगा, अब यू भी लगेगा, है ना। किसका, हाँ ये भी कर सकते हो, शाबाश। चलो ये तो खटका ही नहीं, वेरी गुड। अब जाकर के लग रहा खुश, हाँ सीख रही लड़की। क्या हो गया, अब तो बन गया मेरे पास आंसर, लगाने की जरूरत ही नहीं है, शाबाश। ये होता है नजरों का कमाल, शाबाश। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, क्या हो गया, थ्री कॉस जीरो डाल देंगे, वन, थ्री इंटू वन का पावर हाफ। ओ भाई आंसर तो यूं ही बन के आ गया, थ्री बाई टू, क्या गया, थ्री बाय, क्या बन के आया, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, थ्री बाय टू, थ्री बाय, नोट करो, लल्लू सा सवाल है, कब अवैस इसको, देखो ये जो पूरा चीज हमारा, ये n निकाल, देखो ये जो एक पावर n इसको बोला गया, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको एक पावर n के बराबर लिखें तो ऐसे लिखा जाता है, इससे पहले जो एक्सपोनेंशियल लिमिट में लिखाए थे, पहला वाला केस देखो, पहला वाला केस, ये हमारा n के बराबर बोला, बस हमको इसको सॉल्व करना था, बस नहीं समझे कैसे, क्या मतलब, देखो तुमको दिया है क्वेश्चन में ये जो लिमिट है ये e का पावर n के बराबर है, ठीक है, और ये हमको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल लिमिट है, इसको हमको लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे e का पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a, हम बता रहे सुनो ना, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो फंक्शन दिया उसको लिखेंगे, ठीक है ना, समझ बात, इसको लिखेंगे, इसको ऐसे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लिमिट दिख रहा है हमको, वन का पावर इन्फिनिटी, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, और बोला उसमें पास सुनो ना, इसको बोला वन का पावर इन्फिनिटी है ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे, समझ बात, और बोला ये जो तुम लिखे हो ये एक पावर एन के बराबर है, समझ बात, जब कंपेयर किए तो एन का वैल्यू किसको मिला, क्या मिला, ये मिला ना, क्या बात कर रहे हो, वही है, नोट करो, ये जो हमारा तुम्हारा दिया है ना, e पावर n के बराबर दिया है, इसलिए हमारा n हो गया ऊपर वाला, ठीक है, जो लिमिट आया, लिमिट में कोई प्रॉब्लम है, लिमिट में अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन वो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, नहीं क्या बोले, साथ में ये टू, हाँ ये देखो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में ना सबके साथ है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, अगर नॉन फाइन मतलब फाइनाइट और नॉन जीरो आएगा तो डाल दो, ठीक है ना, फाइनाइट फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है ना, लिमिट का एक रूल है, अगर कोई भी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो और वो हमको फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू दे तो हम उस वैल्यू उस समय वैल्यू लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन मतलब, हाँ वही थ्री बाई टू आंसर आ गया, तो इसमें आंसर ऐसे ही बनेगा, टू बाई थ्री, थ्री बाई टू, हाँ टू थ्री ऐसे ही ऑप्शन देगा, ऐसे ही देगा ऑप्शन आसपास, वो जानबूझ के देगा रहा ऐसे ऑप्शन, बोलो और कुछ, बस आना देखो क्वेश्चन देख के डर लगेगा, देखना देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगेगा तुम लोग को, लिख लियो मिटा पूरा मिटा दे, अरे हो जाता भरा जाता है, बट अब मैथमेटिक्स में ज़्यादा मेरे को मन लगता है क्योंकि आसान बहुत है लिमिट मैथ एक्सटेंड्स टू जीरो, देखो ये क्वेश्चन को बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चन है, एक्स प्लस टू कॉस एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स प्लस, क्यों माथा खराब करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हो जी, प्लस थ्री साइन
एक्स प्लस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल क्यूब प्लस टू एक्स प्लस टू उसका स्क्वायर प्लस थ्री साइन डरना मत इसका होल पावर 100 बाय एक्स इज इक्वल टू ये जेईई मेन 2022 का सवाल है ठीक है सबसे पहला काम यही रहता सबका स्किप करो चलो सॉल्व करो इसको लग रहा है मजा आ रहा ये क्या हुआ क्या हुआ तेरा वादा ये कसम ये ऑप्शन दे दे 0 1 2 3 जीरो वन टू थ्री बताए जो होशियार आदमी रहेगा बना देगा एक्साइटेड में आंसर मारेगा 0 जो उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा सिंसियर रहेगा वो मारेगा आंसर 1 और असली आंसर है 1 ठीक है देखते हैं पहला बात फॉर्म चेक करके देखते हैं 0 डाले कितना हो गया 8 कितना हो गया 8 जीरो जीरो कितना हो गया 3 sin 2 अरे वाह ये तो पूरा पूरा नंबर हमको दे दे रहा कुछ ना कुछ दे दे रहा मतलब क्या हो गया बहुत आसान तो कर दिया क्वेश्चन झूठों को डरा रहा था ये तो लिमिट एक काम करते सुनो एक काम करते हैं ऊपर वाला को मान लेते हैं अल्फा नीचे वाला को मान लेते हैं बीटा ठीक है ना मजा आएगा अपना मन से छोटा करते हैं अल्फा अपॉन बीटा उसका पावर 100 अपॉन एक्स बोलो है ना है कि नहीं एक्सपोनेंशियल लिमिट लग रहा इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना 100 बटे एक्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना वैस ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा बोलो हाँ है ना है कि नहीं एलसीएम लेकर के है ना क्लियर अच्छा ये हमारा बीटा माने थे ना इसको है कि नहीं इसका वैल्यू कितना आया कितना आया अरे बोलो 0 पुट करें तो 8 प्लस 8 16 प्लस 3 sin 2 सबास फाइनाइट वैल्यू दे रहा हमको है ना तो इसको पहले सॉल्व करते हैं अलग से है ना सॉल्व करते हैं इसको लगा देंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 100 अपॉन बीटा का वैल्यू कितना हो गया 16 प्लस 3 sin 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा अपॉन एक्स बोलो हाँ है ना ये बन के आया अरे भाई क्वेश्चन को छोटा करना सीखो अटेंड करना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा सुनो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा ध्यान से देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 100 अपॉन 16 प्लस एक काम करते हैं पहले अल्फा माइनस बीटा इधर सॉल्व कर लेते हैं आराम से अलग से अल्फा माइनस बीटा इधर सॉल्व करते हैं अल्फा ये है बीटा ये है ना कुछ कट रहा है क्या कुछ कट रहा है देखते हैं एक्स हाँ सही क्वेश्चन सही है थोड़ा लेंदी है कोई बात नहीं गड़बड़ रहेगा पता चल जाएगा समझा तीसरा अपना हाँ तुम लोग से पता चल जाएगा जैसे पूछ देंगे 2 + 2 = 5 तुम लोग क्या बोलेगा सर क्वेश्चन गलत है ना नहीं सर गलती से होता है ये हो गया अल्फा माइनस बीटा हो गया ना है ना अच्छा अल्फा माइनस बीटा अपॉन एक्स है ना अपॉन एक्स ध्यान से देखें सब जगह एक्स डाल दिए थोड़ा सा देखो इसको देखो इसको इसको लिमिट 0 को टेंड्स करा जैसे 0 डाले 0 हो गया 0 डाल दिए 0 0 0 0
जीरो 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 बाय जीरो जीरो बाय जीरो बाय जीरो जीरो बाय जीरो अब लगाना होगा एल हॉस्पिटल इसीलिए बोले लेंदी है। क्या करना है अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, डू इट बाय योर सेल्फ। क्या चेन रूल लगेगा? अरे बाबा पहले निकालेगा निकलेगा निकालेगा उसमें वैल्यू पुट कर, जीरो नीचे से जीरो गायब हो जाएगा। हाँ नीचे से जीरो गायब हो जाएगा एक ही बार, बस एक बार, एक बार एल हॉस्पिटल लगाएगा वैल्यू पुट करेगा आंसर आएगा पूरा चीज करो। चलो तू लोग क्लिक कर ही देते हैं ठीक है ना, कर दे। टाइम कितना है? 40 ठीक है। क्या हो गया? 3x + 2 cos x² into, इसका क्या जाएगा 1 + 1 - 2 sin x। एक ही आया, इसका आया, फिर ऐसे करके इसका निकाले, इसका निकाले, इसका 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 सबका निकाल लोगे आराम से। डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए हाथ में, सही बात। डिफरेंशिएशन कितना यूज है? पूरा चीज़ सॉल्व करोगे मेरे पास बता दे क्या आएगा। पूरा चीज़ सॉल्व करने के बाद ऊपर वाला का वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू तो वन आ जाएगा, नीचे का वैल्यू वन आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का जो तुम वैल्यू सॉल्व करोगे, अल्फा माइनस बीटा अपन एक्स का वैल्यू आफ्टर अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल तुम्हारे पास बन के आएगा जीरो। क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? जीरो, सही बात। जैसे जीरो देखा यहाँ पुट किया, इसका वैल्यू क्या? जीरो। क्या पुट किया? जीरो। सुनो तो मेरे पास लिमिट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जीरो 100 upon x, 100 upon 16 + 3 sin 2 × 0/1। बोलो है ना? देखो ऊपर में जीरो है, नीचे फाइनाइट नंबर है ना, मतलब पूरा चीज़ क्या हो गया? जीरो। पूरा चीज़ क्या हो गया? जीरो। अब आंसर लोग होशियार करके सब जीरो मार देगा, लेकिन इसका आंसर जीरो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा क्या है? e का कुछ पावर है, e का कुछ पावर है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? e का पावर जीरो, e का पावर, जिसका मतलब क्या होगा? वन। वो होश होश में ना ये भूल जाएगा, समय बात, होश होश में ये भूल जाएगा, आंसर जीरो निकाल करके वो जीरो मार देगा, लेकिन क्या है? e का पावर जीरो। ये क्या है? e का पावर जीरो। यहाँ क्या लगाना है? एल हॉस्पिटल क्या लगाना है? सबसे इंपॉर्टेंट नोट करो, होमवर्क दो ठो क्वेश्चन देते हैं बढ़िया। दोनों क्वेश्चन बढ़िया ठीक है ना, नहीं बनेगा फिर हम बता। क्या? हाँ क्वेश्चन लिखो, लिमिट फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो साइन एक्स का पावर 1/x + 1/x साइन एक्स का पावर 1/x + 1/x का पावर साइन एक्स इज इक्वल टू, ये 2006 का सवाल है ठीक है ना, उसमें AI 3 युवा कर रहा था ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो एक क्वेश्चन और, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 2x 3x 5x 1x, बहुत आसान है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो 2x 3x 5x का पावर 1/x इज इक्वल टू, चलो चलो दो सवाल दिए बहुत इंपॉर्टेंट है।